नमस्कार, मेरा नाम MS गलोत, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ढींगे न्यूज। तो आज हम जिनका परिचय कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जिनकी फिल्में लाखों लाखों चली है, मिलियन मिलियन चली है। तो आज हम उनसे परिचय कराने जा रहे हैं, तो जानते हैं उनके जीवन के बारे में, किस तरह वो देहाती लाइन में आए। और सर, सबसे पहले नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका रुख फिल्मों की तरफ कैसे मुड़ा, कैसे आपको लगा कि भाई हाँ, मुझे फिल्म लाइन में जाना है, एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है, राइटर बनना है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा अपनी लाइफ के बारे में। पहली बात, मैं आना नहीं चाहता था फिल्म लाइन में। मैं एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, कैमरे ठीक करने आया था एक दिन, और कैमरे ठीक करने के बहाने कब काम में घुस गया पता ही नहीं चला। कोई एक्टर आया नहीं था, प्रोड्यूसर की नज़र मुझ पर गई, उसने मेरे से कहा कि आप करोगे? मैंने कहा सर, मैंने कभी कैमरा फेस किया ही नहीं है। बट वो कहने लगा हमारे लिए करो, आपको पेमेंट मिलेगा उसका। तो ये बातें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। करा और वन टेक फाइनल भी हुआ, मेरे को पेमेंट भी दी। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर उसके बाद एक डायरेक्टर दोस्त बन गया हमारे, ऐसे ही चलता रहा। फिर कब इस लाइन में को मैंने अपना लिया मुझे खुद पता नहीं चला। जैसे बात की जाए, पहली वीडियो जो फिल्म या सॉन्ग या पहला कौन सा रहा सर आपका? देखिए, वैसे तो मैंने दूरदर्शन के लिए किए हैं कुछ काम स्टार्टिंग में। उस वक्त तो ये CD DVD का दौर भी नहीं था, VHS कैसेट चलती थी। फिर उसके बाद जब एक CD का दौर शुरू हुआ, तो CD के दौर में फिर कुछ कंपनियां थी जो दिल्ली में भी आज भी मौजूद हैं, उन कंपनियों के लिए मैंने काम किया। फिर एक उस वक्त डायरेक्टर होते थे देवराज शुक्ला जी, उनके साथ मैंने काम किया। बुलाया उन्होंने एज ए हीरो के लिए था, कब विलन बना दिया पता ही नहीं चला। तो ऐसी कुछ काम और भी मैंने किए उस टाइम, लेकिन मेरे को कुछ के नाम प्रोजेक्टों को याद भी नहीं आज भी, क्या थे क्या नहीं है, क्योंकि वे बातें काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो फिर उसके बाद मैंने एज ए एक्टर बहुत कम काम किया, फिर उसे डायरेक्शन में आ गया मैं। डायरेक्शन के बाद तो फिर मैंने कुछ एल्बम से की, कुछ शॉर्ट फिल्में की, कुछ डॉक्यूमेंट्री की, कुछ टेलीफिल्म की, कुछ हेड शूट की है, लेकिन दिल्ली के अंदर इतना नहीं कर पाया जितना मैंने मुंबई में किया। अभी दिल्ली में आने के बाद यहाँ पे मैंने माहौल देखा, यहाँ पर ज़्यादातर जो है देसी फिल्मों का काम है, जैसे UP का हुआ, हरियाणा का हुआ, बट यहाँ पे फीचर फिल्में शूट कम होती हैं, ना के बराबर, सेलेक्टेड बहुत। यहाँ पे तो जो होती है ना, ज़्यादातर शॉर्ट फिल्में होती हैं, एल्बम्स होते हैं, ये काम ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। जैसे बात की जाए आपके फिल्मी सफ़र की, जब इंडस्ट्री में उतरते हैं तो बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आपको गिराने की भी कोशिश की होगी, जिन्होंने ये भी कहा होगा कि हाँ ये बनेगा, और इस तरह के भी आपने ताने बहने सहे होंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, इसके बारे में तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा छोटी सी, कि कौन मुझे गिराना चाहता था कौन नहीं, तो मेरे को पता नहीं है। खैर, क्योंकि लोग को गिराने के लिए क्या होता है, पहले समझना होता है किसी चीज़ को। लोग मुझे ही नहीं समझ पाए थे उस वक्त कि यार ये एक्टर है या डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है या राइटर है, क्योंकि गिराया भी तो तभी जाएगा ना, पहले वो खुद तो सिलेक्शन कर ले अपने मन के अंदर। क्योंकि सिचुएशन ने मुझे जो जो सिखाया, मैं उस काम को करता चला गया, और अपने काम में सक्षम होने के बाद मैं ज़्यादा उन लोगों के बीच में नहीं रहा जहाँ इस तरीके की मानसिकता थी। और आज भी है काफ़ी लोगों में ऐसा कि देखिए, हर कोई अपने आप में आजकल सब टैलेंटेड है, हर कोई डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, एक्टर भी है, घर घर में घुसे हुए हैं आजकल लोग। और जब से इंस्टाग्राम फेसबुक चला है तो आपको तो पता ही है, हर हाथ में कैमरा है आजकल, तो आप कह ही नहीं सकते कि कुछ सीखना पड़ेगा। हमने स्ट्रगल किया है, हमने इंस्टीट्यूटों में भी सीखा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ना तो किसी इंस्टीट्यूट में सीखते हैं ना स्ट्रगल किया उन लोगों ने, उनको तो डायरेक्ट काम मिल गया, ठीक है, तो वो उस चीज़ को कैसे समझेंगे वो। जैसे बात की जाए बॉलीवुड की, आप मुंबई भी जाके आपने फिल्मों में काम करा, फिर देहाती की तरफ कैसे रुक मुड़ा? सर, देहाती की तरफ इसलिए रुक पड़ा कि बीच में कोरोना काल आया, उससे पहले नोटबंदी भी हुई थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम ऐसी हुई जिसमें मेरे फादर भी नहीं रहे, बहन भाई साहब भी नहीं रहे, वैसी कई चीज़ें आई, कुछ हालात ऐसे हुए, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा कि भाई चलो नज़दीकी कर लो कुछ काम अच्छा। लेकिन मुंबई में और यहाँ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे लोग कहते हैं जी हम जो है बड़ी फिल्मों में काम करते हैं, यहाँ बड़ी फिल्में बनाते ही नहीं है कोई सिलेक्टेड, मैंने बताया ना आपको 1-2%, बाकी मुंबई का ही शूट चलता है दिल्ली के अंदर, अगर आता भी है तो कोई काम। यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फिल्में बनती हैं, OTT प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज बनती हैं अब स्टार्ट जो हुई हैं, और उससे पहले एल्बम्स बनते थे या तो भोजपुरी के या हरियाणा के या यूपी के, और इस पर कोई ज़्यादा बजट होता नहीं है यहाँ लोगों के पास, बहुत कम बजट में इन चीज़ों को बनाने की वो कोशिश करते हैं। ना तो कोई यहाँ पे स्क्रीन पे शॉर्ट डिवीजन करता है, ना स्क्रिप्ट पे काम करता है, ना कोई क्लैप इस्तेमाल करता है, ना कोई प्रोफेशनल ज़्यादा वो करता है, ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा सा तजुर्बा है उस तजुर्बे के हिसाब से अपना टूल्स मंगा के काम करके दे देते हैं ऐसी कंपनियों को, कंपनियाँ भी रख लेती हैं। क्योंकि देखिए, पहले जो शूट होते थे ना, पहले 35mm कैमरे होते थे, नेगेटिव रोल के होते थे, बड़े बड़े कैमरे, उसके बाद बीटा आया और कई कैमरे आए, अभी उनको लाइटों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, बड़ी बड़ी लाइटें होती थी,
आजकल क्या है, लो लाइट कैमरे आ रहे हैं, आप कोई भी DSLR कैमरा 15,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, आप उसको खरीद सकते हो, उसी से आप वीडियो बना देते हो, उसी से आप अपना यूट्यूब पर डाल देते हो, बन गया उनके लिए बॉलीवुड। ना तो प्रोडक्शन बनाना पड़ रहा है, ना कोई CD बननी है, ना DVD बननी है, ना माल हो रही है, ना कोई आपको बच्चे रखने की ज़रूरत है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने की ज़रूरत है, आप घर बैठे अपनी कंपनी चला रहे हो, एक ही बंदा चला रहा है। तो पहले और आज में तो बहुत फ़र्क हो गया। तो अब वो कहते हैं जी हम बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में कैसे, मेरे को समझ नहीं आता। सैटेलाइट चैनल एक अलग चीज़ है, सिनेमा एक अलग चीज़ है, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक अपनी उसकी पगडंडी अलग है। तो अगर यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक इतने बड़े हैं तो लोग सिनेमा पे फिल्में रिलीज क्यों करते हैं, पहले वो सीधा उस पर क्यों नहीं डाल देते। ये बात की पगडंडी है, लेकिन लोगों ने कहते हैं ना जिसने दिल्ली तक देखा है वो दिल्ली की ही तारीफ करेगा, उससे आगे नहीं देखा तो कैसे करेगा। तो जैसे बात की जाए, आपने सोनाटेक के लिए भी मूवी की है। जी मैंने सोनाटेक के लिए एल्बम भी की है, और अभी उनको अकबर बीरबल मैंने एक धारावाहिक भी बना के भी दिया है, उसके बाद मैंने फिर उनको राजा भोज गंगू थेली भी दिया है। उसके अलावा कुछ एल्बम मैं शूट करी है, जैसे NDJ के लिए भी की है मैंने, और भी यहाँ चंदा बंदा और कुछ अपना जैसे कुछ और कंपनियां, मैं नाम जानता नहीं ज़्यादा, क्योंकि जो फाइनेंसर मेरे पास आते हैं वो सीधा कहते हैं हमें ये प्रोजेक्ट बना के आप दे दीजिए, मैं उनको दे देता हूँ, वो उनको बेच अपने चैनल से रिलीज करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनियों की कमी नहीं है सर। आज के डेट में तो सभी चैनल खुले उसका भी खोले बैठे हैं, कोई JS बना रखा, किसी ने RS बना रखा, किसी ने SS बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, क्योंकि देखो पैसा तो लगता नहीं है ना यूट्यूब पे चैनल का बनाने का, पैसा तो आपका सिर्फ प्रोजेक्ट में लगेगा। तो आजकल ये जो मेथड जो चल रहा है ना, बस ठीक है अपना जैसे भी है। मैं तो ये कहूँगा सबसे कि भाई सबका काम चले, सबको दो पैसे मिले, सबको एक रोज़गार मिले, मैं किसी की ना तो बुराई करना चाहूँगा इसमें, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है। हाँ बस इतना अनुरोध करता हूँ मैं सभी लोगों से कि कोई भी बात बोलने से पहले सीनियरिटी का इज्जत करें, उसका ख्याल रखें। ये नहीं होता एक आदमी अगर आपसे टाइट काम ले रहा है या थोड़ा वो खड़क आवाज में आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा है तो आप उसको नीचा दिखाने के लिए प्लान बनाने लगो उल्टे सीधे, कि इस आदमी तो यार मेरे को ऐसा क्यों कह दिया इसने। देखो जो गुरु होता है ना वो आपको धमकाएगा भी कहेगा भी, क्योंकि वो आपके भविष्य के बारे में सोच रहा है। जब मैं एज ए डायरेक्टर कैमरे के पीछे काम करता हूँ, सामने तो नहीं काम कर रहा हूँ ना, लेकिन आर्टिस्ट अगर मान लो अच्छा कर रहा है तो वो कलर खड़ी करके क्या कहता है, मैंने देखा कितना अच्छा काम किया। लेकिन जब उसी आर्टिस्ट से गलतियाँ होती हैं और फिर उसके बाद वो क्या कहता है, डायरेक्टर ही साला बेवकूफ़ था, उसने करवाया मेरे से, ऐसा मिलती है ना डायरेक्टर को गाली, तो डायरेक्टर क्यों चाहेगा गाली खाना। अब ठीक है अगर किसी के पास बजट नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है उसके बाद, लेकिन आपका जितना टाइम मिल रहा है उसमें अगर कोई डायरेक्टर आपको समझा रहा है, वो चाहे टाइट आवाज़ में कह रहा है, सॉफ्ट आवाज़ में कह रहा है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए कह रहा है ना, कल को चमकोगे आप, चमकोगे, पैसा कमाओगे आप, कमाओगे, मेरे घर में थोड़ी ना कोई देके जाएगा। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए आज की जनरेशन को, सीनियर की भी इज्जत करनी चाहिए और कोई भी बात कहने से पहले उसका समझे महत्व क्या है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा और आप एकदम उसका जो है फौरन जवाब दे। तो जैसे बात की जाए सोनाटेक की, तो सोनाटेक में आपकी कौन सी मूवी रही है सबसे पहले? देखिए हमारी जो मूवी गई थी मेरे को याद नहीं है, देखो मैं आपको क्लियर बताऊं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका उन चीज़ों, जैसे कृष्णा कंपनी में भी शायद मेरे ख्याल से अड़चन गई थी, अड़चन करके ही शायद ऐसा था, और बाकी और भी कुछ थी फिल्में वो गई थी। तो अभी मैं जो कुछ फिल्में बना रहा हूँ, नई बना रहा हूँ, नए तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो मैंने बताया ना CD का भी दौर ख़त्म हो चुका था उस टाइम, जैसे अभी यहाँ पे मैं देहात को समझ रहा हूँ, अब धीरे धीरे यहाँ के आर्टिस्टों को समझ रहा हूँ, यहाँ के लोगों को समझ रहा हूँ, यहाँ के वातावरण को समझ रहा हूँ, किस तरह के यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि देखिए शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे। अभी देहात में आप देखोगे ज़्यादातर अनक्वालिफाइड बंदे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा, उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, वो जो भी कुछ सीख रहे हैं देख के सीख रहे हैं। अभी आप डायलॉग डिलीवरी उनकी आप देखोगे या कुछ भी देखोगे, अपनी तरफ से अगर 4 लाइन किसी ने बोल दी तो यहाँ के जो काम करने वाले निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर, वो कहते हैं ओके ठीक है, उसमें फील क्या है, फेस एक्सप्रेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज, वो कहते हैं इतना टाइम ही नहीं है यार, हमें नहीं मिल रहा है आगे से इतना, हमारे तो बहुत कम बजट के हैं, वो सब क्लियर कर देते हैं। ठीक है वो क्लियर होते होते उन लोगों को आदत पड़ेगी उस पैराग्राफ में बोलने की, सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि इन चीज़ों के लिए टाइमिंग चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना अब आप मतलब इमोशनल कर रहे हो, आप जो है ट्रेजडी कर रहे हो, आप कॉमेडी कर रहे हो, हर चीज़ की एक टाइमिंग अलग अलग होती है काम करने की। अब यहाँ पे आप एल्बम्स वगैरह भी देखो, यहाँ पे बस वही चल रहा है, भाई साहब ट्राईपोड लगाया, कैमरा लगाया, लो जी बना के दे दिया, कोई जानना है बस, हाँ पिक्चराइजिंग पे क्लियरिटी आ रही है, प्रो शूट हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बस यही क्वालिटी है उनके लिए। कंटेंट क्या है आपका, कहानी क्या है, वो सब्जेक्ट क्या मैसेज देता है, लोगों के बीच में क्या जगह बनती है उस सब्जेक्ट की, इससे कोई महत्व नहीं है। तो जैसे बात की जाए शेख चिल्ली जी, हरिराम तूफान जी की, जी उनकी तरफ से भी आपको फिल्मों का ऑफर मिला है और वो भी आपने ठुकरा दिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर इसके बारे में तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो फिल्म उनकी मेरे पास आई थी
और बस किसी बात की वजह से मैंने वो फिल्म नहीं करी उनकी, क्योंकि उनका कहना था मुझे 3 दिन के अंदर पूरी फिल्म चाहिए। 3 दिन में इतनी 2.25 घंटे की फिल्म कैसे बना सकता था मैं? अब मैं इसी चीज़ के साथ नाइंसाफ़ी तो कर नहीं सकता कि मैं इसको ऐसे ही छाप के दे दूँ, क्योंकि देखिए ठीक है एक नया आर्टिस्ट है, उसकी अभी कोई इमेज नहीं है, उसको बड़े संभाल के चलाना। एक इंसान कह रहा है मेरी बहुत बड़ी इमेज है, तो जब उसकी बहुत बड़ी इमेज है तो उसको डैमेज तो नहीं कर सकता मैं 3 दिन के अंदर। भाई उन्होंने मेहनत करी है, यहाँ तक आए हैं, इतने बड़े स्टार बने हैं, वो तो मेहनत से ही बने होंगे, जाहिर सी बात है। अगर मेरी एक बेवकूफ़ी सिर्फ एक छोटे से कुछ पेमेंट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में हाँ भर दूँ कि जी मैं कर दूंगा उस चीज़ को, और वो उस चीज़ का जो नुकसान हो तो फिर वो डैमेज तो वो तो होंगे ही होंगे, साथ में मैं भी हूँगा। तो मेरा जो काम करने का तरीका है, उनके काम करने का तरीका है, सबका काम करने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। कुछ लोग किसी की बातों से खुश हो जाते हैं, काम से खुश नहीं होते। कुछ लोग काम से खुश होते हैं, बातों से खुश नहीं होते। अब जैसे बात की जाए, रतन जी है एक और कलाकार है देहाती, उन्होंने भी आपको फिल्म ऑफर करी, उनकी फिल्म भी आपने ठुकरा दी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर वो जो फिल्में ठुकराना गया, बस उन्होंने कुछ मेरे को ऑफर दिए, छोटी कुछ फिल्में थी उनकी, मेरे पास टाइम का थोड़ा सा वो था, इसलिए मैंने मना कर दिया उनको, क्योंकि मैं काम बहुत कम करता हूँ सर, बहुत सेलेक्टेड काम करता हूँ मैं। ऐसा नहीं हूँ कि औरों की तरह जैसे लोग एक दिन में 3-3, 4-4 फिल्में कर लेते हैं, अभी इतना तकड़ा डायरेक्टर मैं नहीं बन पाया हूँ कि मैं एक दिन में 4-4 फिल्में कर लूँ। यहाँ तो अनुभवी लोग हैं, देखो कहते हैं ना कि एक चीज़ होती है कि कंटिन्यूटी चलती है, कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, एक होता है सीधा डायरेक्ट पर लैंड कर गए, मतलब छत के ऊपर आप, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो अभी इतने बड़े डायरेक्टर नहीं बने सर, एक दिन में 4 फिल्में कर देंगे उनकी तरह, या 5 कर देंगे, या 6 कर देंगे, या तो ऐसे ऐसे मैं आपको डायरेक्टर बताऊं, एक दिन में 20-20 गाने कर देते हैं शूट। अब उनको वो गाना कैसे बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता, उनको वो फिल्में कैसे बोल लेते हैं ये भी नहीं मुझे पता, क्योंकि अब मैं कहूँगा कोई कहेगा यार हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, हमारे ऊपर ये कर रहा है, मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, उनको अच्छा लगता है, उनका बिक रहा है, उनका चल रहा है, मिलियन में जा रहा है, तो क्या दिक्कत है उनको। तो अब बात की जाए हरियाणवी सुपरस्टार देहाती, आज पूरा भारत जानता है उनको, उत्तम कुमार जी, तो उनकी भी बैक टू बैक फिल्में आ रही है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए नाइस बंदे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी नज़दीकी से इस लाइन को देखा है, परखा है, और वो अपने एरिया में, अपने स्टेट में एक नाम कमाया उन्होंने, चल रहे हैं वो भी अच्छा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक उनकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो प्योरिटी है। देखिए अब क्या होता है, कौवा होता है, आप कौवे को कोट पैंट पहना दो तो वो अजीब सा लगेगा। तो यहाँ कुछ लोग देहाती फिल्मों में अपनी शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं उसमें, बॉलीवुड दिखाना चाह रहे हैं, एक्शन दिखाना चाह रहे हैं। उत्तम कुमार जी की मेरे को ये बात अच्छी लगी कि आज भी वो देहात के अंदर देहाती दिखा रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को वही देहाती टोन दे रखी है उन्होंने, वही मिठास दे रखी है जो लोग देखना चाह रहे हैं। अब आप ज़बरदस्ती उसको सोचो कि यार कहने के लिए तो आप देहात की फिल्म बना रहे हो, लेकिन आप उसको एंगल क्या दे रहे हो, आप उसको एक स्टैंडर्ड दे रहे हो कि यार जींस पहन के आओ, चश्मा लगा के आओ, खेत ख़त्म कर दो, गंडा से ख़त्म कर दो, ये बंद कर दो, तो ये चीज़ें है ना अजीब लगती हैं दर्शकों को। देखो अगर ऐसी चीज़ें देखनी होगी दर्शकों को तो बॉलीवुड की फिल्में हैं ना, एक्शन देखना होगा साउथ की फिल्में हैं ना, वो देहात की क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो कल्चर देखना चाहते हैं, यहाँ की सादगी देखना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती देखना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी खूबसूरती है अलग अलग जगह, हरियाणा को आप ले लो, हरियाणा का अपना एक कल्चर है, अपनी एक खूबसूरती है, यूपी की अपनी है, राजस्थान की अपनी है या नहीं है? अगर आप वो खूबसूरती ख़त्म करके हर आदमी उसको एक हाई लेवल दिखाना चाहेगा तो वो कहाँ रहेगी उसकी नेचुरलिटी? आदमी का जब गुड़ का मन होता है तो गुड़ खाता है, वो चीनी खाता है, का मन करता है तो चीनी खाता है, दोनों एक ही चीज़ से बनती है और मीठी भी है, लेकिन स्वाद दोनों का अलग अलग है। तो अब आप हमारे दर्शकों को बताइए, जब हम एक्टिंग लाइन में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा तो भाई फेवरेट हीरो वो है, मुझे तो उसी की तरह एक्टिंग करनी है, उसी की तरह बनना है, तो आप बॉलीवुड में किसके फैन रहे? देखिए मैं अपने टाइम में, मैं अपने बचपन की बता दूं, कभी जब गोविंदा जी की स्टार्टिंग नहीं हुई थी फिल्मों में, उस टाइम मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा नाम था, जीमी जीमी उनका गाना आया, मैं डिस्को डांसर ये चलता था, उस टाइम मेरी उम्र तकरीबन 7-8 साल रही होगी, तो मेरे को उस टाइम मिथुन दा पसंद थे, लेकिन जब गोविंदा का दौर आया तो गोविंदा ही रहे, और मेरे को मास्टरपीस भी लगते हैं वो। गोविंदा ही एक ऐसा कलाकार है इंडस्ट्री के अंदर जो हर करेक्टर में ढल जाते हैं, एक वही करेक्टर ऐसा लगा मेरे को जो कॉमेडी हो, डांसिंग हो, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, एक्टिंग हो, पहना हो, हर चीज़ में बेस्ट। ठीक है वो आज का दौर उन्होंने नहीं है वो एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि कहते हैं ना समय के हिसाब से चलना पड़ता है इंसान को, जो नहीं चलता वो ख़त्म हो जाता है, वो राजनीति में आए या कुछ भी आए, वो अपना ठीक है, जो भी उनकी उलझने रही वो नहीं दे पाए टाइम इंडस्ट्री को। अब जब टाइम दे पा रहे हैं तो, लेकिन समय बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं,
आज की डेट में जितने भी हीरो आते हैं इंडस्ट्री के अंदर भी बॉलीवुड में, सब अपने पैक सैक बना के आते हैं कि बिना पैक के चलेगा नहीं बंदा, चाहे सिक्स पैक बनाए चाहे एट पैक बनाए। पहले खूबसूरती देखी जाती थी, आजकल ऐप देखे जाते हैं, है ना। तो दौर बदलता है, समय बदलता है। आज भी शाहरुख, सलमान, आमिर इतने पुराने हीरो हो चुके हैं, बहुत पुराने टाइम के, उन्होंने भी अपने आप को जिन्होंने डेवलप कर लिया समय के हिसाब से, वो आज भी चल रहे हैं। और जो रुक गए हैं वो बेचारे बैठे हैं, क्या करेंगे, या तो अपने आप को बदलो या समय को बदलो। समय का तो बदल नहीं सकता कोई, अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। तो जैसे कि बात की जाए देहाती फिल्मों की, तो देहाती फिल्म में आप किसके फैन रहे? देखिए, देहाती फिल्मों में फ़ैन तो मैं सभी का हूँ, जितने भी लोग कर रहे हैं, चाहे छोटे से बड़े तक कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना अभी कुछ देर पहले कि भाई उत्तर जी जो है, मेरे को उत्तर जी का ये चीज़ सबसे बेस्ट लगी। वो चाहे देखिए किसी की नज़र में चाहे कैसे भी हो, अगर कोई आदमी अच्छा करता है मैं उसको बहुत अच्छा कहता हूँ। वो आज भी अपने काम में वो प्योरिटी लाने की पूरी कोशिश करते हैं, हालांकि वो भी चाहें तो वो भी अपना बजट बढ़ा करके एक एक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन उनको खुद पता है ये चीज़ें कि यार नहीं चलेंगी, ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करेंगे लोग। हाँ, एक आपका रहेगा पिक्चराइजिंग का तरीका थोड़ा सा, आप उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है आपकी, है ना। तो रही आपकी वो फेवरेट वाली बात, सर मेरे लिए तो सारे मेरे लिए बराबर हैं, सब अच्छे हैं। चाहे कोई नया कलाकार भी आके खड़ा, अगर उसने भी इंसाफ किया है ना अपनी कला के साथ, तो मैं उसका भी फ़ैन। और कोई जो है उस काम में अगर वो इंसाफ नहीं कर पा रहा, अपनी प्योरिटी नहीं दे पा रहा है और मजाक समझ रहा है उस काम को, तो सर वो गलत है मेरे लिए। क्योंकि आपने आजकल देखा होगा रील का एक ऐसा लफड़ा चल गया है जिसके घरों का लोगों को नहीं पता था, आज ये पता है सबको किसके घर में कैसे टाइल लगी हुई है, कैसे पत्थर लगे हुए हैं, कौन किसकी रसोई कैसी है, बाथरूम कैसा है, छत कैसी है। हर आदमी को रील बनाने का शौक है, तो वो क्या करते हैं, एक्टिंग करी दो मिनट जैसे ही रेस्ट के लिए गए फ़ौरन रील बनाने लगे। तो वो काम के प्रति मोहब्बत थोड़ी ना है। हमने तो सर दो दो तीन तीन दिन काम किया है, जग जग के हम सोए भी नहीं है, वो टाइम भी देखा है हमने। लेकिन जहाँ से स्टार्ट किया, जिन लोगों के साथ स्टार्ट किया है, आज वो चाहे कहीं पर भी हो, कोई भी उनकी इमेज हो, हमारे दिल में वही जगह है उनकी जो पहले थी और आज भी है और रहेगी, क्योंकि उस चीज़ को हम भूल नहीं सकते। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, आप चाहे गुरु से भी मतलब ज़्यादा ज्ञान ले लो, लेकिन गुरु तो वही रहेगा ना जिसने जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। अब जैसे बात की जाए, आपके आपने रील की बात की, आज के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना चला हुआ है, फेसबुक इंस्टाग्राम, उन पे इस तरह की वीडियो दिखाई जा रही है कि हम कैमरे के सामने वो नहीं बोल सकते, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सभी कलाकारों से ये निवेदन करूँगा कि कभी भी कोई किसी की प्रोफाइल मांगे, एक तो कभी भी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ना दें, क्योंकि इंस्टाग्राम एडिट करके भेजता है आपको। आपकी ओरिजिनल आवाज़ क्या है, आपके रियल फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी की टाइमिंग क्या है, वो उसकी चीज़ अंदर नोट नहीं होती। इसलिए कई बार वो कहते हैं हमने तो भेजी थी अपनी प्रोफाइल, पता नहीं डायरेक्टर ने क्यों नहीं बुलाया। अगर आपसे प्रोफाइल मांगी गई है तो प्रोफाइल को प्रोफाइल के तरीके से भेजो ना, क्या दिक्कत है आपको? आज आपको कहीं पर पोर्टफोलियो नहीं बनवाना है, कहीं अलग से वीडियो शूट नहीं कराना है, आपको अपने मोबाइल से ही तो खाली क्लिक करना है जो आपकी रियलिटी है, और हर तीन महीने में अपने कम से कम न्यू फोटो खींचे, अपने न्यू वीडियो बनाए, अपनी अपडेट फाइल भेजो कोई भी। ये थोड़ी ना कि एक साल पहले आपका फोटो खूबसूरत आया था यही भेज दूँ मैं, और आज आप कैसे लग रहे हो ये ना भेजूँ, तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। फिर डायरेक्टरों को गाली देना या प्रोड्यूसरों को गाली देना ये गलत बात है। आप वो चीज़ भेजो जो वो मांग रहे हैं, और क्लियर बात करो हमेशा। नहीं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फेसबुक रील की अगर बात की जाए, आजकल क्या हो रहा है फेसबुक के, रातों रात फेमस होने के लिए नंगनाथ चल गया, ये गलत। तो इसके बारे में आप क्या? मैं इसको गलत मानता हूँ। देखिए, ठीक है आप फेमस होइए, मना नहीं किया है किसी ने, लेकिन आप ये देखिए कि आप तो फेमस हो गए, आप चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से, इसका असर कितने लाखों लोगों पर पड़ा। फेमस वही होता है जिसकी मिलियन में जाती है, तो इसका मतलब आपकी वो जो आपने करा उसको तो लाखों लोगों ने देखा ना, कम से कम आपके हजारों लोग तो फॉलो करेंगे अगर लाखों नहीं करेंगे लोग। तो जो भी आप चीज़ बनाइए, कोई भी कंटेंट बनाइए, उसे खूबसूरत और अच्छा बनाइए, आज की जनरेशन को अच्छा संदेश दीजिए। आप एक मैसेंजर हो अगर आप वीडियो बनाते हो, लोग यहीं से सीखते हैं, बच्चे यहीं से सीखते हैं, फिल्मों से लेते हैं या रीलों से लेते हैं, यहीं से पकड़ेंगे। अगर आप फिल्मों में गालियाँ दे रहे हो, आजकल गालियाँ बहुत वल्गर आ रही हैं, एक से एक आ रही हैं, तो बच्चे वही सीखते हैं। बदमाशियों के गाने बहुत बनते हैं तो लोग कट्टे उठा लेते हैं, क्योंकि फिल्मों से ज़्यादा प्रेरित होते हैं लोग, ज़्यादा वहीं से आता है, क्राइम भी वहीं से बढ़ता है, मोहब्बत भी वहीं से बढ़ती है, नफरत भी वहीं से बढ़ती है। तो मैं कहता हूँ उन सभी मैसेंजरों से, जो भी कुछ बना रहे हैं, जो भी बनाए यार अच्छा बनाओ, क्योंकि इस समाज में हम अकेले नहीं हैं, हमारा परिवार भी, हमारे बच्चे भी हैं, सभी हैं। अपने बारे में जितना सोचते हो ऐसा सभी के बारे में सोचो। क्या पहले नहीं बनती थी चीज़ें? पहले भी बनती थी। तो मर्यादा में रह के अगर काम करें तो ज़्यादा मैं बेस्ट मानता हूँ इस चीज़ को। लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? लास्ट मैसेज बस यही देना चाहूँगा मैं इसी सबको, एक तो मैं दुआ करूँगा सबके लिए कि भाई सब लोग कामयाब हों, जो जो अपना संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। और उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो लोगों से मेहनत करवाते हैं, आप उनका ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल रखेंगे।
एक दूसरे पे कटाक्ष करने से अच्छा, एक दूसरे की बुराई करने से अच्छा है सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। और कोई भी आप चीज़ बनाइए, कोई भी काम कीजिए, दिल से कीजिए, मेहनत से कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है आपकी शायद ज़िंदगी आज नहीं तो कल ख़त्म तो हो ही जाएगी, पर जो चीज़ आप बना रहे हो ये आने वाली पुश्तें भी देखेंगी और उसको वो आगे फॉलो भी करेंगी। तो आज आपने बात करी सलीम खान जी से, तो कैसा लगा आपको इंटरव्यू? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कैमरामैन सोनू सूद के साथ MS ग्लोर डिंगे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।